फतेहाबाद शहर के डीसी कॉलोनी एरिया में मोहल्ला वासियों की सूचना पर पुलिस टीम ने रेड करके एक घर से एक महिला को उसके बेटा बेटी और एक सप्लायर के साथ नशा सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए सिटी थाना के SHO सुरेंद्र कंबोज ने बताया कि राजविंदर कौर नाम की महिला के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि वह घर में नशा सप्लाई का कारोबार करती है। इस पर पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी कार्रवाई करते हुए एक नशा सप्लायर को गिरफ्तार किया जो बाहर से नशा लाकर महिला को देता था। चारों आरोपियों से नशे की अलग अलग मात्रा बरामद हुई, जिसमें आरोपी राजविंदर कौर से 8 ग्राम, आरोपी राजविंदर कौर की बेटी हरप्रीत कौर उर्फ सोनू से 20 ग्राम, वहीं उसके बेटे से 7 ग्राम और मुख्य सप्लायर से 40 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। महिला राजविंदर कौर अपने बेटे और बेटी के जरिए नशा बांटने का काम करती थी। सिटी थाना SHO ने बताया कि अभी तक की जांच में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से कोई केस दर्ज नहीं पाया गया है और पहली बार ही नशे के मामले में ये लोग पकड़े गए हैं। फिलहाल चारों आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बात यह थी कि सुबह सुबह यहाँ आए हैं, मतलब मोटरसाइकिल लेके, और शरेआम चिट्टा इनके हाथ में पकड़ा, और जो पड़ोसी था इसने जो अंदर जो गाड़ी पे बैठा रखा, इसके हाथ में मतलब इसने दिया उनको, दो लड़कों को, और ये लड़का कह रहे हैं अभी खान मोहम्मद का है और शरेआम मैंने देखा है, दो पुटली थी, इतनी इतनी दो पुटली थी, बदतमीज जी की गाली निकाल के गए और धमकी दे के गए हैं, ये आपको देखेंगे। ये मामला है जी विकट रोड के बगल डीसी कॉलोनी विकट रोड, तो यहाँ पुलिस इंफॉर्मेशन मिली थी कि यह चिट्टे का काम होता है हीरोइन का, तो उस पर टीम मौके पहुँच दी है। मौके पहुँचे जब ये चार जने, दो लेडी और दो मेल हैं, वो भागने की कोशिश करे, जिन्हें पुलिस ने उनको रोका, रोक के पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद उनके पास NDPS मिला है, जो अलग अलग मिला है, दो लेडी हैं उनके पास, राजविंदर कौर है उसके पास 8 ग्राम मिला है, और इसके अलावा राजन के पास 7 ग्राम, हरप्रीत उर्फ सोनू उसके पास 20 ग्राम, और जो मेन इसमें है चिराग उसके पास 40 ग्राम बरामद हुआ है। तो चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगामी अनुसंधान जारी है।